टुडे वी विल स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक रिलेशन बिटवीन द मोलारिटी एंड डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में मोलारिटी पढ़ी थी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, ठीक है, तो हम वहीं पे रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास। यहाँ रिलेशन यदि बात करें तो दिस इज द रिलेशन, मोलारिटी इज इक्वल टू 1000 m upon 1000 d minus n into m। ठीक है, ये आएगा, दिस इज द फॉर्मूला वेयर कैपिटल m इज अ मोलारिटी, स्मॉल d इज अ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज ग्राम पर ml होना चाहिए, m2 2 हम सॉल्यूट के लिए यूज कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, दिस इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम पर ग्राम, है ना, पर मोल, यानी ग्राम में आप मॉलिक्यूलर मास करते हैं। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट दिस, क्योंकि हमारा जो भी टेक्स्ट बुक का लास्ट इलस्ट्रेशन है वो इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है। तो अभी मैं इस पे डेरिवेशंस बताता हूं कि हाउ दिस डिराइव, कभी भूल जाओ ये डिराइव कैसे हुआ है, इज इट क्लियर, तो मैं आपको डिराइव करके बता देता हूं कि मोलारिटी का ये फॉर्मूला आता कैसे है, इज इट क्लियर टू ऑफ यू। देखिए, हमारे पास सबसे पहला फॉर्मूला आता है मोलारिटी, मोलारिटी स्मॉल m ले लेते हैं, इट इज n2 into 1000 by W1, this is the formula, ये ग्राम में है, this is the moles of solute into 1000, ये मैंने formula रखा है, ये ग्राम में रखा है, is it clear to all of you? हमें पता है कि mass of solution is equal to mass of solute plus mass of salt। ठीक है, अभी हमारे पास m इज इक्वल टू n2 इनटू 1000 बाय w माइनस w1 2, है ना, ये मान लीजिए w2 ले लिया, ये w1 आ गया, तो ये क्या है w, आप कैपिटल m भी ले सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है, है ना। अब आप देखिए इसके अंदर हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया है, व्हाट वी कैन डू, अब आप देखिए नेक्स्ट जो आया, हमने क्या करा, वॉल्यूम से ऊपर डिवाइड कर दिया और वॉल्यूम से नीचे डिवाइड कर दिया, तो जब मैंने नीचे डिवाइड कर दिया तो मैंने यहां वी कर दिया, है ना, एक ही बात है, मैं पूरे वी करूं या इंडिविजुअली वी कर दूं, एक ही बात है। ठीक है, नंबर ऑफ ए मोल्स ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 इंटू वी एम एल, इसे क्या बोलते हैं, मोलारिटी, क्या बोलते हैं, मोलारिटी, मोलारिटी सॉरी, कैपिटल एम आ गया, वेट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन एमएल, उसे बोलेंगे डेंसिटी इन ग्राम पर एमएल, उसे क्या बोल देंगे, डेंसिटी इन ग्राम पर एमएल, यहां तक क्लियर हुआ। अब देखो मैं क्या करता हूं, डब्ल्यू टू मेरा है, ये मेरे पास एक्चुअल फॉर्मूला है, अभी मैं क्या करता हूं उसको न्यूमेरिकली, तो मेरा कुछ भी चेंज नहीं हुआ, एम टू से मल्टीप्लाई किया, एम टू से डिवाइड किया है, ये कैंसिल होगा तो यही आना है, क्लियर, यही आना है कि नहीं आना है। फिर मैंने क्या करा, 1000 से ऊपर और 1000 से नीचे मल्टीप्लाई करा तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, है ना। अब आप चलिए, अभी मेरे पास क्या फॉर्मूला है ये ध्यान दीजिए, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 बाय वॉल्यूम इन एमएल, उसे अपन क्या बोलते हैं, मोलारिटी बोलते हैं ना, लास्ट क्लास में डिस्कस किया था ना, उसे क्या बोलते हैं हम, मोलारिटी, क्या बोलते हैं, मोलारिटी, इट इज इक्वल टू, यहां पर कैपिटल एम आ जाएगा, एम इनटू एम टू बाय 1000, या तो आप इसको इस तरह से लिख दीजिए, या तो इस तरह से लिख दीजिए ना, देख लीजिए मैंने क्या करा, आपको क्या था, सॉरी मैंने डेंसिटी से डिवाइड किया ही नहीं है, गलती कर, नहीं नहीं डेंसिटी का भी जरूरत नहीं है, वेट डेंसिटी यहां भी सॉरी कोई दिक्कत है ना, मैंने क्या करा, वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट, फिर मैंने क्या करा, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन ऊपर नीचे डिवाइड कर दे, इसको भी डिवाइड किया, इसको भी, तो w / v, w2 / v,
डब्ल्यू बाय वी तो डेंसिटी हुआ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन एमएल वो मोलारिटी हुआ। एम टू को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड किया 1000 और ये किया, तो ये न्यूमेरिकल ही तो कुछ ही नहीं हुआ ना मेरे को। अब आप देखो दिस वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू वॉल्यूम, इसे बोलते हैं मोलारिटी इनटू एम टू डिवाइडेड बाय 1000 हो गया। अब देखिए 1000 इधर आ जाएगा, 1000 ऊपर चला जाएगा, 1000 एम अपॉन 1000 डी माइनस एम इनटू एम टू, ये आ गया कि नहीं आ गया? इज इट क्लियर? तो हमारे पास ये रिलेशंस आ गया है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नंबर ऑफ टाइम जीडब्ल्यू मेंस में क्वेश्चंस बना हुआ है, मैं डिस्कस करूंगा और आपके टेक्स्ट बुक में भी जो लास्ट इलस्ट्रेशन है इसी फॉर्मूला पे भेज दे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं उसी क्वेश्चन को मैं डिस्कस करता हूं। इज इट क्लियर? चलिए इस क्वेश्चन पे बेस हम डायरेक्टली क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि डेंसिटी ऑफ 2.05 एम सॉल्यूशन ऑफ एसिडिक एसिड इन वाटर इज दिस द मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन। बिल्कुल सिंपल है, आपके पास क्या है सॉल्यूशन, फॉर्मूला क्या है, स्मॉल एम इज इक्वल टू 1000 एम 1000 डी माइनस एम इनटू एम टू, एम निकालना है 1000, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस 2.05 1000, what is the value of capital D 1.02 minus इतना value आ रहा है capital M 2.05 M2 acetic acid, acetic acid का molecular mass होता है 60, molecular mass कितना आता है 60, तो ये value आ जाएगी 2050, ये multiply करके आ जाएगा 1200, ये क्या जाएगा सॉरी 1020, ये आ जाएगा 1020 माइनस 2.05 इनटू 60, ये कितना आ रहा है 2.05 इनटू 60, ये वैल्यू आ गई है 123। ठीक है, अब 2050 है ना माइनस 1020, ये वैल्यू आ गई 897। ठीक है, 2050 डिवाइडेड बाय 897, ये वैल्यू आ रही है 2.28, ये वैल्यू आ रही है 2.28 ग्राम पर मोल इनवर्स। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आगे बात समझ में? अब आप देखो कोई बच्चा बोलेगा कि सर ये तो ठीक है कि हमारे पास कैलकुलेटर था, हमारे पास हमने इसको कर दिया, बट व्हाट अबाउट जेडब्ल्यू मेंस, वहां पर तो कैलकुलेटर नहीं चलता, तो मैं उसका भी तरीका बताता हूं। देखिए आपको इतना तो पता चल गया ये मल्टीप्लाई होके 2050 आ जाएगा, आपको ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 1020। ठीक है, आप क्या करो 2 × 6 = 120 हटा दो, तो ये 120 हटा दिया तो आपका लगभग लगभग यहाँ पर कितना वैल्यू आ रहा है 1020 में से 120 आ जाए तो लगभग 900, तो 9 × 2 = कितना होता है 9 × 2 = 18 और 9 × 3 = 27 होता है, तो ये कितना है ये 18 और 27 की बीच की वैल्यू है, बट ये 9 × 2 = है तो ये 2 point something आएगा, तो 2 point something पे एस ऑप्शन है। ध्यान रखना जेडब्ल्यू मेंस में जब इससे की कैलकुलेशन लेंथी कैलकुलेशन है तो वैल्यू ज्यादा दूर दूर होती है, ऐसा नहीं है 2.28 दे दे तो कुछ वैल्यू 2.35 दे दे और एक 2.45 दे, इतनी नियर वैल्यू नहीं जाते। वो भी जानते हैं कि उनको कैलकुलेशंस का मेथड आना चाहिए, कि बच्चों को कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो ये आप बेफिक्र रहिए। तो ये आपके पास देख लीजिए कितना इजी जेडब्ल्यू मेंस का क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है। अब मैं एनसीईआरटी आपकी टेक्स्ट बुक का जो लास्ट इलस्ट्रेशन है, ठीक है, आप ये देख सकते हैं कि जो मैं आप एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है ना, तो आप देखेंगे उसमें में कोई फॉर्मूला डेरिवेशन नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, मोलारिटी की डेफिनेशन दे दी, मोलारिटी की डेफिनेशन दे दी, डायरेक्ट क्वेश्चन बोल दिया, तो मैंने आपको डिराइव करके सिखाया तो आपको एक आइडिया लग गया है। ठीक है, तो यहां पर आपका जो टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है 3 molarity और 1.25, आपको क्या दिया है डेंसिटी ऑफ 3m सॉल्यूशन ऑफ NaCl इन वाटर इज डेंसिटी 1.25 ग्राम पर ml। ठीक है, ये आपका क्या है इलस्ट्रेशन 1.8,
ये क्या है एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी का प्रॉब्लम कौन सा है 1.8 है, देख लीजिए आपके एनसीईआरटी में यही है। आप वो कैलकुलेशन लेंथी कैलकुलेशन के बजाय आप क्या कर लीजिए, वही स्मॉल एम थाउजेंड एम थाउजेंड डी माइनस एम इंटू एम टू, ठीक है। यहां पर स्मॉल एम की वैल्यू आप निकालनी है थाउजेंड बी थाउजेंड इंटू 1.25 एम थ्री एनएसीएल, एनएसीएल का मॉलिकुलर मास होता है 58.5, चेक कर लीजिए सोडियम का 23 और क्लोरीन का कितना होता है 38.5, ठीक है। या जाएगा 3000, या जाएगा 1250। अब देखिए हमारे पास आया 3 × 58.5, ये वैल्यू है 175.5, 175.5 माइनस 1250, ठीक है। ये आ रहा है 3000 अपॉन 1074.5, 3000 डिवाइडेड बाय 1074.5 आ रहा है आपका 2.79 स्मॉल एम, यानी मोलालिटी कितनी आ रही है 2.78 एम आ गई। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, 2.78 एम आ गई। अब आप देखो इसी टाइप को क्वेश्चंस को आपको ये बना देता है ना, आप ये क्वेश्चन आ गया है, आई होप क्लियर हो गया होगा। अब एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए इसी में डेटा चेंज कर लेता हूं, ठीक है। मान लीजिए यहां पर कुछ भी मैंने ले लिया है ना, ये से प्रैक्टिस के लिए बना दिया है, क्वेश्चन लिख दिया है कि डेंसिटी ऑफ 4m सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन ए वाटर, डेंसिटी मान लीजिए 1.5 दे लिए, प्रैक्टिस के लिए ले लिए, कोई ऑथेंटिकेटेड वैल्यू नहीं है। द मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन, अब क्या पूछ लिया, मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। अब आप देखिए सॉल्यूशन आपके पास है, स्मॉल एम आपकी वैल्यू कितनी आ गई है 4000 एम 1000 इनटू 1.5, स्मॉल एम निकालना है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए ग्लूकोज इज 180, ठीक है। तो अब आप देखेंगे यहां पर इसको मैं कैंसिल कर दूं तो ये कितना रहा है 250, ये आ रहा है 1500 माइनस 180 एम इक्वल टू 250 एम आ रहा है, चेक कर लीजिए है ना, ये उधर चला गया 1500 तो 250 प्लस 180 एम आ जाएगा क्योंकि एम कॉमन आ गया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 250 प्लस 180 ये कितना गया है 430 एम 1500, एम की वैल्यू कितनी आ गई 1500 अपॉन 430, तो 1500 डिवाइडेड बाय 430 ये वैल्यू आ गई है 3.48 एम। देख लीजिए मोलालिटी से मोलारिटी, मोलारिटी से मोलालिटी, तीनों न्यूमेरिकल्स मैंने डिस्कस कर लिए हैं, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं, ठीक है, ये आ गया है देखे। अब हमारे पास क्या हो जाता है डाइल्यूशन, हमारा टॉपिक क्या हो जाता है डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है कि देखिए समझिएगा इस चीज को, मान लीजिए आपके पास कोई कंटेनर है, ठीक है, इस कंटेनर के अंदर मान लीजिए किसी का भी ग्लूकोज यूरिया किसी का सॉल्यूशन बना हुआ है, उसकी मोलारिटी मान लीजिए M1 है और उस केस में जो कंटेनर का जो वॉल्यूम है वो V1 है। अब मान लीजिए इसके अंदर मैंने क्या करा, कुछ वाटर ऐड कर दिया, वाटर इज एडेड या वॉल्यूम वाटर इज एडेड, नाउ द वॉल्यूम बिकम, यहां पर अब वाटर ऐड करने से वॉल्यूम क्या होगी V2, वॉल्यूम क्या जाएगा V2। अब आप देखिए यहां पर
आप चीजों को समझिए, डाइल्यूशन का मतलब वाटर ऐड करना, डाइल्यूशन का मतलब वाटर ऐड करना। आप यहां पर आप देखिए कि सपोज मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज मान लूं, या मान लीजिए ग्लूकोज है, तो इट इज इक्वल टू एम वन वी वन, इट इज इक्वल टू एम वन वी वन, ठीक है। अभी यहां पर आपका जो मोल्स है, तो यहां पर जो मोल्स है, तो यहां पर तो क्या है, मोल्स आर सेम, क्यों भाई, यहाँ पर जो ग्लूकोज था या यहाँ पर ग्लूकोज है वो थोड़ी चेंज हुआ है, चेंज क्या हुआ, सिर्फ वाटर ही तो ऐड हुआ है, वाटर क्या है, सॉल्वेंट, वाटर क्या है, सॉल्वेंट, इज इट क्लियर। तो ये क्या जाएगा, दिस इज द मोल्स ऑफ सॉल्यूट, दिस इज द मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या था पहले, क्या था बिफोर डाइल्यूशन एम वन वी वन, तो अब आप देखो मोल्स आर सेम इवन आफ्टर द डाइल्यूशन, डाइल्यूशन के बाद भी मोल क्या हुआ है, सेम हुआ है, इज इट क्लियर। तो अब आप देखिए जब मोल सेम है बट वॉल्यूम इज गोइंग टू बी चेंज, तो व्हाट अबाउट द मोलारिटी, व्हाट द फॉर्मूला टू फाइंड आउट मोलारिटी, मोलारिटी का फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। अब आप देखिए मोल सेम है, मोल सेम है, इट इज सेम, ठीक है, इट इज गोइंग टू बी इंक्रीज ऑन डाइल्यूशन, इट इज गोइंग टू बी इंक्रीज, तो आप क्या बोलोगे, मोलारिटी इज गोइंग टू बी चेंज, मोलारिटी क्या होगा, चेंज होगा। बात समझ में आगे कि नहीं आगी, पहले कंसेप्चुअली समझ में आ गया है, आप एक समझ लीजिए, ऐसा लॉजिक समझ लीजिए कि मान लीजिए आपने एक कंटेनर में, एक कंटेनर में मान लीजिए आइसक्रीम्स रखी, ठीक है, या मान लीजिए आपने मार्केट गए एक थिक शेक ले लिया, थिक शेक मतलब थिक शेक लिया, और भगवान ना करे गलती से रेनी वाटर आ गया, और कार में या बाइक पे या नीचे छत के नीचे पहुंचते पहुंचते वो वाटर उसके अंदर मिक्स हो गया, ठीक है, बहुत दुख की बात है बट मिक्स हो गया, तो मिक्स हो गया तो व्हाट वी कैन से, आप बोलोगे क्या हो गया, तो आप बोलोगे सर थिक शेक इज गोइंग टू बी कन्वर्ट इनटू मिल्क शेक, क्यों, क्योंकि थोड़ा पतला हो गया ना वो। अब देखो उसके अंदर क्रीम होगा, आइसक्रीम्स होंगे, इंग्रेडिएंट होंगे, ड्राई फ्रूट्स होंगे, वो थोड़ी चेंज हुए, जो इंग्रेडिएंट ड्राई फ्रूट्स सब कुछ जो था वो जो थिक शेक में था वो तो सेम ही रहा ना, आप क्या बोलोगे कि उसके अंदर वाटर ऐड हुआ है इसलिए उसकी जो कंसेंट्रेशन है वो चेंज हो गई है, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, हम बोलते ना पतला हो गया है, ठीक है ना, यानी वाटर ज्यादा हो गया, तो ये ध्यान रखिएगा। अब आप देखिए यहां पर ये कंसेप्ट समझ में आ गया कि मोल्स आर सेम, जब मोल सेम है ना, मोल सेम है तो मोल्स तो क्या है, एनवल ही रहने वाले, मोल्स एनवल रहने वाले हैं, बट द मोलारिटी इज गोइंग टू बी चेंज, और उस मोलारिटी को नाम दे दिया है एम टू, एम टू इज अ न्यू कंसेंट्रेशन या न्यू मोलारिटी आफ्टर डाइल्यूशन, हियर द मोलारिटी बिकम एम टू। ये केस था थिक शेक इज गोइंग टू बी कन्वर्ट इनटू मिल्क शेक, यानी ये थिक शेक था तो क्या हुआ, वाटर ऐड करने पे क्या बन गया है, मिल्क शेक, एंड इन द इसमें क्या हुआ है, वाटर ऐड करने से जो बात करें तो आपके पास क्या हुआ है, मोल्स बिफोर डाइल्यूशन इज इक्वल टू मोल्स आफ्टर डाइल्यूशन, ठीक है, मोल बिफोर डाइल्यूशन क्या था एम वन वी वन, आफ्टर डाइल्यूशन क्या है एम टू वी टू, तो ये एक नया फॉर्मूला बन गया है, इज इट क्लियर, ध्यान रखना बट गलती मत करना, ये कब होता है, जब वाटर ऐड होता है, ठीक है, तो कंसेंट्रेशन इज गोइंग टू बी एड ड्यू टू द एडिशन ऑफ वाटर, इज इट क्लियर। देखिए यहां तक समझ में आ गया है, आई होप बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि वाटर ऐड करने पे मोलारिटी इज गोइंग टू बी चेंज, तो आप बोलोगे डाइल्यूशन में एम वन वी वन बिफोर डाइल्यूशन शुड बी इक्वल टू एम टू वी टू आफ्टर डाइल्यूशन, बिकॉज नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मोलारिटी इनटू वॉल्यूम, क्लियर। अब देखिए डाइल्यूशन पे बेस से भी हम कोई क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, देखिए डाइल्यूशन पे बेस क्वेश्चन हम करते हैं, तो मैं बोल दूंगा कि इफ 200 ml ऑफ 0.3 m ग्लूकोज सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड बाय 3
300 ml, what is the molarity of solution? देखो बच्चों, यहां पर यूज हुआ है बाई, ठीक है? तो समझना, बाय का मतलब आपका वॉल्यूम एम वन आपकी वैल्यू है 0.3, वी वन आपका कितना है 200 ml, एम टू यानी मोलारिटी आफ्टर डाइल्यूशन आपको निकालनी है, वी टू का खास कर ध्यान रखना, दिस इज गोइंग टू बी 200 + 300 यानी बाई है। बाई का मतलब आपने वाटर ऐड किया है ना। मेक श्योर दिस इज वी वन, दिस इज नॉट वी टू। V2 कब होगा ध्यान रखना, यदि मैं यही डाइल्यूटेड 2 लिखता, मैं क्या लिखता, डाइल्यूटेड 2 300 ml, डाइल्यूटेड 2 300 ml होता तो मेरा V2 की वैल्यू 300 ml हो जाती, बट डाइल्यूटेड बाय 300 ml यानी मैं उस 200 ml में 300 ml ऐड कर रहा हूं। गलती नहीं होनी चाहिए। तो आप देखेंगे यहां पर, अभी अपन ले लेते हैं 2 वाला केस भी ले लूंगा, टेंशन मत लीजिए। 200 + 300 It is going to be a 500 ml. अब तो आसान हो गया, क्योंकि केस पता चल गया है डाइल्यूशन का, m1 v1 = m2 v2। डाइल्यूशन में अमाउंट ऑफ वाटर इज गोइंग टू बी चेंज, दैट मीन ओनली द वॉल्यूम इज गोइंग टू बी चेंज, बिकॉज ऑफ चेंज इन द वॉल्यूम मोलारिटी इज गोइंग टू बी चेंज। डन। 0.3 × 200 = m2 × 500, क्योंकि बच्चों दोनों साइड वॉल्यूम है, तो इसलिए मैं ml ml रख रहा हूं, मैं लीटर में कन्वर्ट कर नहीं रहा हूं, क्योंकि वो सेम ही आएगा। इज इट क्लियर? ये 0 से 0 कैंसिल, तो m2 की वैल्यू क्या होगी, 0.6 / 5.125 m आ जाएगा। देख लीजिए, पहले मोलारिटी किसकी थी, थिक शेक की, अब क्या बन गया है, विल शेक बन गया है, यानी मोलारिटी इज गोइंग टू बी चेंज, यानी वॉल्यूम बड़ा है तो मोलारिटी क्या हुआ है, कम हुआ है। इज इट क्लियर? अब आप देखिए, यदि यही चीज यहां पर आ जाता, ठीक है, आराम समझ में आ गया है। इफ द 200 ml ऑफ 200 ml ऑफ 0.5 m यूरिया सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड टू 600 ml, व्हाट इज द पोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन? सिंपल, m1 v1 = m2 v2। पता चल जाना चाहिए कि मेरे यूरिया सॉल्यूशन के अंदर ही वॉल्यूम चेंज कर रहा हूं, ठीक है? 200 × 0.5 = 600 × v2, ये कितना हो गया है, ये 3 आ गया, तो v2 की वैल्यू आई 0.5 / 3, तो 0.1, ठीक है, 20, तो 6-7 मोलारिटी, सॉरी ये वॉल्यूम है ना, मोलारिटी। इज इट क्लियर? तो आप समझ में आ गया बाई या टू का क्या फर्क है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आराम से समझ में आ गया है, ओके? आप देखिए, इसके अंदर मान लीजिए, इफ 200 ml ऑफ 0.5 यूरिया सॉल्यूशन, ठीक है, व्हाट इज द, समझना, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड, सो मोलारिटी बिकम 0.1 m, ठीक है? वापस से समझ लीजिए, m1 v1 m2 v2, m1 कितना है 0.5, v1 200, m2 कितना है 0.1, v2 निकाला, v2 की वैल्यू कितनी होगी 5 × 2 1000 ml। देख लीजिए 1000 ml आ रहा है, ठीक है, क्लियर होकर देख लीजिए आराम से, दिस डिवाइडेड बाय दिस 1000 ml। अब समझना, मेरा क्वेश्चन होता कि व्हाट इज द वॉल्यूम, मैं ये लिख देता, क्योंकि दिस इज द फाइनल वॉल्यूम, दिस इज द फाइनल वॉल्यूम, पर क्या पूछा है,
मैंने ये नहीं पूछा है कि मेरा क्वेश्चन होता है 200 ml of 0.5 m यूरिया सॉल्यूशन व्हाट इज द वॉल्यूम सो द मोलारिटी बिकम 0.1, तो मेरा फाइनल आंसर आ जाता 1000 ml कि मेरी फाइनल वॉल्यूम क्या है सो द मोलारिटी बिकम 0.1 m, तो मैं लिखता 1000 ml। पर क्या पूछा है, वाटर एडेड, यानी पहले 200 था अब 1000 हो गया है, तो कितना वाटर एड हुआ है, यानी पहले कितना था वॉल्यूम 200 था अब कितना हो गया 1000, तो 200 से 1000 करने में कितना वाटर एड हुआ है, तो 800 इज वाटर एडेड, यानी वाटर एडेड क्या हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल, यानी 1000 माइनस 200 इट इज इक्वल टू 800 ml। तो दोनों क्वेश्चन की वैरायटी समझा दी मैंने, एक ही क्वेश्चन में दो टाइप बता दिए। यदि पूछा जाता व्हाट इज द फाइनल वॉल्यूम तो ये होता, बट व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड तो दोनों का जो डिफरेंस होता वो क्या हो जाता है वाटर एडेड। बहुत सिंपल है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। मिल्क शेक थिक शेक की थ्योरी लगा दो, ठीक है। अब आप देखिए इसमें हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं विच इज नोन एज मोलारिटी इक्वेशन, है ना, मोलारिटी इक्वेशन। बट जो मैं मोलारिटी इक्वेशंस कर रहा हूं, मैं जो चीज लिखवा रहा हूं, बच्चे लोग बहुत कंफ्यूजन होंगे, तो ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोलारिटी इक्वेशन, मोलारिटी इक्वेशन कब आएगा, इफ मिक्सिंग ऑफ ऑल एसिड और ऑल बेस या ऑल सेम टाइप ऑफ कंपाउंड, तभी मोलारिटी इक्वेशन लगेगी। दो अलग अलग टाइप के हो, एक एसिड और सामने बेस हो, तो नहीं होगा, उसके लिए अपन नॉर्मलिटी आएगा, वो बाद में हम डिस्कस करेंगे, ये ध्यान रखना है। यानी सारे एसिड मिक्स हो रहे हो या सारे बेस मिक्स हो रहे हो या सेम टाइप के कंपाउंड, यानी यूरिया मिक्स विद यूरिया विद दिस, तो आप क्या बोलोगे, जैसे मान लीजिए M1V1 एक एसिड का है, उसके अंदर M2V2 आया, और आप बोलोगे व्हाट इज द फाइनल वॉल्यूम, तो आप क्या बोलोगे कि मान लीजिए ये एक एसिड है, ये एक एसिड है। अब अभी अपन ने थोड़ी देर पहले क्या बोला था कि जब ये दोनों मोल है तो इसके मोल क्या है, इसके मोल क्या है, अभी मैंने प्रूव किया था मोल इज नॉट गोइंग टू बी चेंज, तो आप बोलोगे यहां पर टोटल मोल्स कितने हुए, तो आप बोलोगे सर N1 प्लस N2 हुआ। भाई मोल थोड़ी चेंज हो रहे हैं, मॉलिक्यूल थोड़ी चेंज हो रहे हैं, चेंज क्या हो रहा है, जब ये मिक्स कर रहे हैं तो इसमें क्या हुआ वॉल्यूम इज गोइंग टू बी चेंज, ठीक है। एक बॉक्स के अंदर मान लीजिए 10 बैलून है रेड कलर के, दूसरे बॉक्स के अंदर क्या हो जाएगा 20 बैलून है ब्लू कलर के, इन दोनों बॉक्स में को उन दोनों बॉक्स को मान लीजिए किस या उन दोनों जो बैल जो बैलून है उसको किसी रूम में मैंने डाल दिया, तो आपसे पूछा जाएगा कि हाउ मेनी टोटल बैलून, तो आप बोलोगे 10 बैलून ऑफ रेड प्लस 20 बैलून ऑफ ब्लू, तो वो नंबर थोड़ी चेंज होने जा रहा है, सिर्फ वॉल्यूम ही तो चेंज हो रही है, ध्यान रखिएगा। तो टोटल मोल्स क्या हो गया N1 प्लस N2, एंड टोटल वॉल्यूम क्या बन गया है, आप बोलोगे V1 प्लस V2। तो अब आप ध्यान से समझ लीजिएगा, एसिड 1 प्लस एसिड 2 प्लस एसिड 3 प्लस एसिड 4 कुछ भी हो सकता है, यहां पर न्यू मोलारिटी काउंट होगी, ठीक है। तो ये जो मोलारिटी जो है मिक्सिंग की, ठीक है, तो आप बोलोगे मोलारिटी आफ्टर मिक्सिंग इज इक्वल टू टोटल मोल्स आफ्टर मिक्सिंग अपॉन टोटल वॉल्यूम आफ्टर मिक्सिंग। देख लीजिए आप एक चीज समझ लीजिए, एक ग्लास के अंदर यदि 250 ml रेड शरबत और 300 ml ब्लू शरबत दोनों को एक कंटेनर में डालोगे तो टैप वॉल्यूम दोनों का ऐड नहीं होगा क्या, एक लिक्विड दूसरा लिक्विड, आप ये समझ लीजिए एक ग्लास में वाटर दूसरे ग्लास में वाटर दोनों को एक कंटेनर में डाला तो व्हाट इज द फाइनल वॉल्यूम, आप बोलोगे वॉल्यूम 1 प्लस वॉल्यूम 2 होगा कि नहीं होगा, वही तो हो रहा है वॉल्यूम 1 प्लस वॉल्यूम 2, इसके अंदर जो भी था दोनों का मोल सेम होगा, गलती नहीं होना चाहिए। N1 प्लस N2 अपॉन V1 प्लस
वी टू, एन वन क्या होता है एम वन वी वन, एन टू क्या होता है एम टू वी टू डिवाइडेड बाय वी वन प्लस वी टू, दिस इज द मोलारिटी ऑफ मिक्सिंग। अब इस फॉर्मूला को बिल्कुल सिंपल बना दू, ऐसे याद नहीं रहे तो मैं सिंपल बना देता हूं, आप क्या बोलोगे एम वन वी वन प्लस एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू इज इक्वल टू एम इन टू वी टोटल, लिख दिया आसान हो गया वी टोटल, क्योंकि देख लीजिए इसको वी टोटल लिख सकता हूँ ना वी वन प्लस वी टू, बट ध्यान रखिएगा ये सिर्फ ये इक्वेशन जो है ये किसके लिए है, या तो सारे एसिड मिक्स हो रहे हैं या सारे बेस मिक्स हो रहे हैं, एसिड और बेस के लिए नहीं लगाना है। आई बस पे आपको इसमें बेस क्वेश्चंस करते हैं, मोलारिटी बेस क्वेश्चन। देखिए इसमें क्वेश्चन साथ आता है कि इफ 200 ml और 0.3 MSCl इज मिक्स विद 300 ml ऑफ 0.5 MSCl, व्हाट इज द मोलारिटी ऑफ मिक्सचर। ठीक है, इससे पहले वाले डाइल्यूशन में क्या होता, वॉल्यूम चेंज हो रहा था, इसमें दो मिक्स हो रहे हैं, तीन मिक्स हो सकते हैं, चार मिक्स हो सकते हैं, ध्यान रखना M1V1 M2V2 is equal to M into V total। ठीक है, बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला लगाया, M1 की वैल्यू कितनी है V1 की 200, 200 प्लस 300 हुआ ना, 200 प्लस 300 टोटल वॉल्यूम हुआ ना, तो मोलारिटी कितना आ गया 3 into 2 6, 5 into 3 15, यही आ रहा है। ठीक है, अपॉन कितना आ जाएगा 500, ये कितना आ गया 210 अपॉन 500। ठीक है, 210 अपॉन 500, तो 210 डिवाइडेड बाय 500, चेक कर लीजिएगा 0.42 है, 0.42 इधर क्लियर हो गया कितना आ रहा है मोलारिटी मिक्सिंग का 0.42 m। ठीक है, ये याद आ गया, आई होप ये चीज क्लियर हो गया है, आगे हम बढ़ते हैं। ओके, चलिए अभी दो क्वेश्चन इस पे मोलारिटी और मिक्सिंग, इसको अपन मोलारिटी इक्वेशन या मोलारिटी और मिक्सिंग भी बोल सकते हैं, मैंने दो क्वेश्चन आपके लाया है, देख लीजिए एक जीडब्ल्यू में 2013 और 2005 में पूछा है, बिल्कुल सिंपल है, आ चुका है। जब मिक्सिंग कर रहे हैं तो आप क्या लगाओगे एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू इक्वल टू एम इन टू वी टोटल, ये लगाओगे, एम वन कितना है 480 1.5 520 इंटू 1.2 एम, और वी टोटल कितना हुआ 480 प्लस 520, तो मैं डायरेक्टली 480 प्लस 520 लिख दिया बच्चों। अब देखिए हम लोग कैलकुलेट करें 480 इंटू 1.5 आपको मिला 720। ठीक है, 520 इंटू 1.2 624 डिवाइडेड बाई 480 प्लस 520 1000 आ रहा है एम, ये आ गया प्लस 720, ये कितना आया है 1.344 एम। अब देख लीजिए ऑप्शंस कहाँ है 1.344 एम, यह है आप देख लीजिए कितना इजी, कुछ भी दिमाग नहीं लगाया, आप देखें ये जीडब्ल्यू मेंस का क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत लिमिटिंग रीजन कंसेप्ट में थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है, बाकी सब इजी टॉपिक्स है। अब आप देखो वही M1 V1
एम वन वी वन प्लस एम टू एंड वी टू एम इंटू वी टोटल, वी टोटल 750 प्लस 250। आप देखेंगे ना यहाँ पर जब भी जनरली डिवीजन में ऐसा देगा कि जल्दी से कैलकुलेशन होगा, ठीक है, 750 इंटू 0.5 11 है 375 प्लस 250 प्लस 500 एम अपॉन 1000, ये कितना आ रहा है 875 अपॉन 1000, 0.875 एम, 0.875 एम। देख लीजिए कितना सिंपल आपके सामने दोनों न्यूमेरिकल्स मैंने, इनफैक्ट आप आज आप देखेंगे तो तीन या चार मैंने आपको जनरली मींस के क्वेश्चन दिए हैं। ऐसा नहीं है कि मैं अपने मन से कोई चीज फॉर्मूला बना रहा हूं, आपके सामने चीजें हैं, ठीक है। अब आप देखिए यहां पर आई होप एम वन वी वन प्लस एम टू बी टू इज इक्वल टू एम इंटू वी टोटल, एम वन वी वन प्लस एम टू बी टू इज इक्वल टू एम इंटू वी टोटल। तो जब दो चीज मिक्स हो रही है, दो सिमिलर टाइप का सॉल्यूशन मिक्स हो रहा है, तो वो फॉर मोलारिटी ऑफ मिक्सिंग या मोलारिटी इक्वेशन जो भी बोलना चाहो। इज इट क्लियर? आई होप ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आप देखिए बहुत अच्छा टॉपिक है, इस पे हम बात करेंगे। हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा दैट इज द रिलेशन बिटवीन मोलारिटी कैपिटल एम एंड मोल फ्रैक्शन। हमने लास्ट टू लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन, अब हम पढ़ रहे हैं मोलारिटी एंड मोल फ्रैक्शन। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यहां तक इसका डेरिवेशन, इसको समझाने से पहले इसका डेरिवेशन बहुत लेंथी है, जरा आप ढंग से देख लीजिएगा कि कहीं नहीं हो तो गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, ओके? अब आप देखो यहां पर मोलारिटी, ठीक है, मैं डेरिवेशन डायरेक्ट स्टार्ट कर लेता हूं। हमारे पास n2 into 1000 by volume, ठीक है, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, n2 इज द मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो मैं सॉल्यूट के लिए ले रहा हूं और वन सॉल्वेंट के लिए ले रहा हूं, ये गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। अब आप देखो n2 into 1000 दिस इज w by डेंसिटी बिकॉज वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। तो व्हाट इज दी, दी इज द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन एंड w इज अ मास ऑफ सॉल्वेंट, क्या है मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, n2 into 1000। अब w को क्या लिखूं, w1 plus w2 यानी वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब मैं यहां कुछ मैनिपुलेशन करूंगा, अब आप बी केयरफुल रहना क्योंकि मुझे मोल फ्रैक्शन चाहिए, यानी मोल फ्रैक्शन के लिए मुझे मोल चाहिए। अब देखो मैं w1 था तो मैं यहां पर m1 और m1 कर दूं तो कुछ फर्क पड़ेगा, इस वाले साइड में मैं m2 और m2 कर दूं तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, रहेगा तो ये w1 ही रहने वाला, ये w2 ही रहने वाला ना। तो अब आप देखो वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। मोलारिटी इज इक्वल टू n2 into 1000 into d upon n1 m1 plus n2 m2। यहां तक तो आ गया ना हमारे पास, देख लीजिए आराम से देख लीजिए। अब देखो अब मैं यहां कुछ गड़बड़ करने वाला हूं क्योंकि मुझे मोल फ्रैक्शन चाहिए। अब आप देखिए यहां क्योंकि मुझे मोल फ्रैक्शन चाहिए तो मुझे मोल मिल रहे हैं, मुझे मोल दिख रहे हैं, तो मैं टोटल मोल्स का यूज करूं। मैं क्या करता हूं कि n1 plus n2 यानी टोटल मोल ऊपर
और नीचे मैं डिवाइड करूं तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब देखो, जब ऊपर नीचे मैंने डिवाइड किया तो मेरा जो m है n1 into 1000 into d upon n1 plus n2 आ गया है। सॉरी, ये n1 नहीं है, n2 है, सॉल्यूट के लिए ले रहे हैं। यानी ये वाला जो चीज है, ये वाला जो चीज है वो मैंने यहां ले लिया डिवाइडेड बाय। अब ये वाला चीज इधर आ जाएगा ना, ये वाला चीज यहां आ जाएगा, ये बन जाएगा n1 upon n1 plus n2 n1 upon n1 plus n2 into m1 n2 upon, मैथमेटिकली एक्सप्रेशन सबको पता है इसलिए गड़बड़ी मत करना। यहां तक आ गया। व्हाट इज दिस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, व्हाट इज दिस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट m x2 into 1000 into d x2 into m2 plus x1 m1, ठीक है। आप लिख सकते हो, जब आप ये फॉर्मूला ये बन गया है, इस पे जेडब्ल्यू एडवांस का क्वेश्चन भी मैं डिस्कस करूंगा, आपकी टेक्स्ट बुक पीछे भी है, आप देख लेना। ये मैंने मोलारिटी और मोलारिटी का रिलेशन था, टेक्स्ट बुक में नहीं था तो भी मैंने समझाया, उस पे बेस मैंने आपके टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन भी डिस्कस किया है एज वेल एज जेडब्ल्यू मेंस का भी डिस्कस किया है। मोलारिटी क्वेश्चन चलो जेडब्ल्यू मेंस का पार्ट है, वो डिस्कस किया है, जेडब्ल्यू का पार्ट कर रहा हूं तो नीट के उससे और इजी आएंगे, ये ध्यान रखना है, ठीक है। एक्स वन आप लिख चाहो तो यहां पर लिख सकते हो, इसके नीचे मैं यहां लिख रहा हूं, आप लिख दोगे वेयर एम वन मोलार मास ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट, एम टू मोलार मास ऑफ सॉल्यूट, एक्स वन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट एंड एक्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये फॉर्मूला के नीचे आप ये लिखेंगे, इज इट क्लियर। तो आपके पास ये रिलेशन आ गया है मोल फ्रैक्शन एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू वन, वो भूलना मत क्योंकि वो न्यूमेरिकल्स में हम इसका यूज करेंगे, इज इट क्लियर। अब आप देखिए इस पे भी हम न्यूमेरिकल्स करते हैं पहले, फिर देखिए टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी का अनसॉल्व क्वेश्चन 1.29 डिस्कस कर रहा हूं। तो अब आप देख लीजिए, ये ऐसा नहीं है, आप चेक कर सकते हैं, कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल इन ए वाटर इन विच द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इज 0.040 एंड अज्यूम द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1, ठीक है। आपके पास सॉल्यूशन है, फटाफट से फॉर्मूला लिख दिया, मोलारिटी x2 into 1000 into d x2 m2 plus x1 m1, ठीक है। आपके पास मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल दिस है, तो x2 की वैल्यू गिवन है 0.040, x1 की 1 माइनस 0.040, इट कम टू बी 0.96 आ जाएगा, 0.96 आ जाएगा। देख लीजिए इथेनॉल मॉलिक्यूलर मास ऑफ इथेनॉल, देखिए C2H5OH है, तो 24 प्लस 6 30, तो 46 आया। M1 किसका होता है, वाटर का, तो वो क्या गया 80। डेंसिटी जो अज्यूम कर दी है वो 1 है, देख लीजिए कितना आसान है, सिर्फ ये ध्यान रखना है, इज इट क्लियर। आप देखेंगे मोलारिटी X2 की वैल्यू 0.040 into 1000, डेंसिटी 1 लेनी है, X2 0.04, m2 कितना है 46, x1 0.96 into 18, गलती मत करना, x1 m1, ये x1 है तो ये m1 है, गलती मत कर देना, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हुए गड़बड़ी मत करना, इधर आया, ठीक है। अब आप देखिए इसमें हम कर सकते हैं, यहां पर आ गया है 40, पहले लिख दो, फिर 0.04 into 46 या 1.84 प्लस 0.96 इनटू 18 या आया है 17.28, एम की वैल्यू आई विच इज इक्वल टू 40 अपॉन
19.12, तो मोलारिटी कितना गया है, यह गया है 2.09, क्या गया है 2.09 है। ठीक है, देख लीजिए ये कितना सिंपल क्वेश्चंस आपका टेक्स्ट बुक का था तो मैंने डिराइव किया है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, 2.09 एम है। ठीक है, अब मान लीजिए इसमें आपको क्वेश्चन ऐसा देता कि मोलारिटी से आप सॉरी यदि मान लीजिए इसी क्वेश्चन में आपसे मोल ये दे देता और आपसे मोलारिटी पूछ लेता तो आप क्या कर सकते थे, ध्यान से सुन लीजिए। चलो ये 1.29 इज ओवर, इसको क्वेश्चंस मैंने चेंज कर दिया। ठीक है, इसी क्वेश्चंस को मैंने मॉडिफाई कर दिया तो हमारे को क्या है दूसरी तरह की प्रैक्टिस भी आ जाएगी। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शंस ऑफ इथेनॉल, कैलकुलेट यदि यही क्वेश्चंस को मैंने क्या लिखा है, देखिए कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इन वाटर इफ इट इज 5 m सॉल्यूशन, अज्यूम डेंसिटी ऑफ वाटर 1। ठीक है, आप देखेंगे m 5 दिया है, x2 निकालना मुझे 1000 इंटू 1, m2 मेरा 46 है, x2 मुझे निकालना है और x1 को 1 माइनस x2 लिख सकता हूं और ये यहां पर कितना आ जाएगा 18। तो 5000 x2 46 x2 प्लस 18 माइनस 18 x2। अब आप देखो इसको पूरा सॉल्व कर देना, यू विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x2। ठीक है, इसको सॉल्व कर देंगे, चलिए पहले सॉल्व ही कर देते हैं। ठीक है, आपके पास 46 माइनस 18 कितना गया, 46 माइनस 18 ये आया 28, दिस माइनस दिस 28 बट मैं 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं इनटू 5, ये आ रहा है 140, ये कितना रहा है 140x2 प्लस 18 इनटू 5 ये आ रहा है 90 इज इक्वल टू 1000x2, ये उधर चला जाएगा तो x2 की वैल्यू कितनी आ गई है 90। अब आप देखो 1000 माइनस 140 कितना आता है 860, 1000 माइनस 140 860, मैं एक आध स्टेप स्कीप करके फटाफट लगा रहा हूं, 90 डिवाइडेड बाय 860 ये वैल्यू आ रही है 0.104, x2 की वैल्यू आ रही है 0.104, इज इट क्लियर, यानी x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.104। ठीक है, ये समझ में आया है कि कैसे करते हैं। अब लास्ट में मैं एक एडवांस का क्वेश्चन डिस्कस कर देता हूं। ओके, देखिए जीडब्ल्यू एडवांस का क्वेश्चन इस पे बेस्ड है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द यूरिया इन इक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया कंटेनिंग 900 ग्राम ऑफ वाटर इज 0.05, इफ द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.2 ग्राम ml, व्हाट इज द मोलारिटी। देखिए मैं सिंपल तरीके से है बात करूं, वी नो दैट द फॉर्मूला, मोलारिटी का फॉर्मूला क्या है, मोलारिटी का फॉर्मूला है x2 into 1000 by density x2 m2 plus x1 m1। अब आप देखो मोलारिटी निकालना है, मोल फ्रैक्शन इज गिवन 0.05, तो जहां x2 है वहां 0.05 रखा 1000, डेंसिटी कितना है 1.2, x2 की वैल्यू वंस अगेन 0.05, m2 इट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ यूरिया बिकॉज यूरिया इज सॉलिड, ध्यान रखना वाटर इज ऑलवेज बी ए सॉल्वेंट, यूरिया का मॉलिक्यूलर मास होता है 60, द मॉलिक्यूल यहां दिया हुआ है मोलार मास ऑफ यूरिया, ये गिवन था बच्चों, ये गिवन था, डोंट वरी वो गिवन था, मोलार मास ऑफ यूरिया 60 प्लस। अब आप देखो x1, तो आप देखेंगे x1 इज इक्वल टू 1 माइनस x2 अभी बताता, तो 1 माइनस 0.05 ये कितना आ गया 0.95, दिया आया 0.95 इनटू m1 की वैल्यू कितनी है, वाटर में कितना है 18। ठीक है, आप देख लीजिए
फटाफट से इसका कैलकुलेटर यूज किया, 0.05 इंटू 1.2 इंटू 1000, ये आ गया 60, ये आ गया है 60। अब 60 इंटू 0.05 ये आ गया 3.95 इंटू 18 ये आ गया 17.1, ठीक है, प्लस 3 ये आ गया 20.1, तो 60 डिवाइडेड बाय 20.1 तो लगभग 3 की आ गया कि नहीं आ गया, 3 आया कि नहीं आया, क्योंकि 60 बाय 20 कितना आ गया 3, तो आप क्या बोलोगे 60 डिवाइडेड बाय 20.1 ये आ गया है 2.98 m आ जाएगा, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो अब आप देख लीजिए मैंने आपको आज के लेक्चर में जो डिस्कस किए हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी बुक में गिवन नहीं है, मैं आपको आपको जो बोल रहा हूँ एक जो 11th में है आपका फर्स्ट चैप्टर चल रहा है, बट आपको मैं अभी से ही क्लियर कर रहा हूँ टिल 12th तक, जो मेरी एक एडवाइस है गाइडलाइंस है वो ध्यान से सुनो, आप एनसीईआरटी का जो है एनसीईआरटी का कंटेंट बहुत अच्छा है, एनसीईआरटी जो लिखी है वो अच्छे अच्छे प्रोफेसर ने जो आईआईटी सी बैंगलोर में है उन्होंने लिखी है, उनकी लैंग्वेज सबसे टफेस्ट लैंग्वेज है, यानी वो एक लाइन में सब कुछ समझा देते हैं, ये ध्यान रखना ब्रीफ में है, एक लाइन में सब कुछ समझाने हैं, इसलिए एनसीईआरटी को रीड करना सबसे टफ होता है, इसीलिए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जेडब्ल्यू मेंस और नीट की मैं गारंटी देता हूँ लाइन बाय लाइन आप कर देते हो, यदि नीट और जेडब्ल्यू में लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी को कर लेते हो तो आराम से एक अच्छी रैंक से साथ जेडब्ल्यू मेंस और नीट निकालते हो। एडवांस के लिए थोड़ी सी देखो बेसिक तो वही होता है, एडवांस के लिए थोड़ी सी एप्लीकेशंस आपको हाई करनी है, उसके लिए तो हम लोग बैठे ही हैं, आपको शीट और फॉर्म में आपको एडवांस है, कंसेप्ट वही है, ध्यान से समझ लीजिए, आपको जेडब्ल्यू एडवांस क्वेश्चन 2019 लेटेस्ट डिस्कस कर रहा हूं, और आप देखो कि ये कंसेप्ट क्या है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या एनसीईआरटी में नहीं था, अभी हमने 1.29 में डिस्कस किया कि नहीं किया, किया ना, इससे पहले जब मैंने जेडब्ल्यू मेंस का क्वेश्चन डिस्कस किया था तो वो क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का शॉर्ट एग्जाम्पल ही था ना, तो आप कैसे बोल सकते हो कि एनसीईआरटी से हम नहीं निकाल सकते, एडवांस का क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, जेडब्ल्यू मेंस का क्वेश्चन कर रहा हूँ, नीट के क्वेश्चन उसके बेस आते हैं, तो प्लीज 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 ध्यान दीजिए एनसीईआरटी इज द बेस, यदि एनसीईआरटी सबसे पहले कुछ भी कवर करो तो पहले एनसीईआरटी की एक एक सॉल्व और एक एक अनसॉल्व एप्लीकेशन कंप्लीट करो, उसके बाद सारी चीजें करो, ओके, ये मेरे जो भी गाइडेंस है वो ध्यान रखना। आई होप आपको आज का लेक्चर बिल्कुल परफेक्टली समझ में आ गया, डाउट डिफिकल्टीज हो तो यू कैन डिस्कस मी, ओके, थैंक यू वेरी मच।